सभी को नमस्ते। आज हम आपको 550 ई एम्ब्रॉयडरी मशीन के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। आज हमारा पहला दिन है मशीन सिखाने का, ठीक है। वैसे मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियो डाली हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि ये मशीन सिखा दोगे, हमें सिखा दोगे। अब एक एक को तो ये मशीन नहीं सिखा सकते, मैं इसकी एक एक करके 10 दिन तक लगातार वीडियो डालूंगी, उसमें अच्छे से आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। जो मशीन सीखने के इच्छुक हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मैं आज बस इसका सामान दिखाऊंगी आपको, क्या क्या सामान इसके साथ आता है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है इस मशीन के साथ, ठीक है। कुछ बातें बताऊंगी। ये पहली बात तो ये धागा होता है हमारा, नीचे जो भरते हैं बोबिन में, देखो ये भर के रख रखे, धागा भरना भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। ये होता है, ये धागा होता है ये, ठीक है। ये इंटरलॉक में भी काम आता है, लेकिन हमने ये बड़ा बंडल ले रखा पूरा, ठीक है। ये बहुत बड़ा है, कम से कम 1.5 साल हो गया इसको चलते चलते। इसमें बहुत ज़्यादा धागा आता है, बहुत बरकत होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि जल्दी ख़त्म हो जाता, बहुत चलता है ये धागा। आप एक बार ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये ले सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है हमारा, ये बोबिन भरने के लिए दे रखा है ये वाला, ठीक है। और ये इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे हमारी बोबिन डलती है। अच्छे से दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखो इसको ऐसे पकड़ेंगे, घड़ी की जैसे उल्टी सुई घूमती है ऐसे, ये देखो ये देखो ये देखो, इस तरीके से। ये गलत है, ये तरीका गलत है और ये ठीक है। ऐसे करके इसमें डाल के और यहाँ से ये देखो, ऐसे पास से दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखो ये दे रखा है। इसमें से ऐसे घुमाते हुए यहाँ से ऐसे लाएंगे इसको, ठीक है। एक दो बातों का इसमें ध्यान रखना है हमें, ये देखो ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये धागा डलता है ये वाला, ये इस तरीके से, ये देखो और एक ऐसी हमें ये टोकरी ले लेनी है, जो हमारा धागा यूज होएगा उसको हम आगे रखेंगे। और एक ये डिजाइन डालने के लिए इसमें ये पेन ड्राइव लग जाती है, ये इस तरीके से, ये और ये फ़ोन में लग के डिजाइन इसमें डल जाता है। अगर किसी को डिजाइन चाहिए तो उस भैया का नंबर दे सकती हूँ मैं, जिससे हम डिजाइन तैयार करवाते हैं। जो हमारे यूज होते हैं वो इसमें अलग से रखने होते हैं, ठीक है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, दूसरा धागा चढ़ा देते हैं। ये खासकर जो बहनें नई मशीन लेती हैं उनके लिए है। और ये आता है कि इससे हम मशीन को चलाते हैं, ठीक है। और जैसे किसी डिजाइन में 10 कलर हैं तो आप ऐसे एक एक कलर को लिख लो कि हमने इस पे ये चढ़ाया, 2 नंबर पे ब्लैक चढ़ाया, इस पे ये ग्रीन चढ़ाया, जो भी चढ़ाया हमने वो हम इस पे लिख सकते हैं। तो जैसे अब हमने एक बात जो बना ली उसमें 10 कलर हैं, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो लिख लेना आप, फिर अगली बात जो चढ़ाओगे तो आप इसके हिसाब से फटाफट वो धागे यूज कर सकते हो, आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और एक कोई ऐसा कोई टोकरी वगैरह कुछ ऐसे रखना, ये देखो ऐसे ये मैंने रख रखी है। इसमें हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, जैसे जो ये आता है पेचकस वगैरह, अलग से स्टल है ये, ठीक है, ये हम इसमें रखते हैं। तो चीज़ों को ध्यान से रखना है, इसमें सामान का छोटा सामान होता है, इधर उधर गिरने का बोर्ड वो रहता है इसमें दिक्कत। और ये देखो ये इसका बड़ा फ्रेम है, 2 फ्रेम और छोटे आते हैं ये वाला। अब ये कटवर्क हमने बना लिया, ये देखो ये कटवर्क बना लिया। अब इस पे बाजू बनाएंगे हम, ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से हम इसमें ये बाजू बनाएंगे, ठीक है।
ये देखो, ये कटवर्क और ये बाजू। मैं धीरे धीरे आपको पूरी मशीन के बारे में, कैसे जोड़ मिलाते हैं, कैसे कैसे इसमें फ्रेम लगाते हैं, सारी बातें बताऊंगी। पूरी वीडियो देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।